नेपोटिज्म पर खुलकर बोली शिल्पा शिंदे, कहा कि मैं भी इस फेज से गुजर चुकी हूँ। आखिर क्या खुलासा किया शिल्पा शिंदे ने, चलिए जानते हैं पूरी खबर डिटेल में। सुशांत सिंह राजपूत के मौत के बाद बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री में नेपोटिज्म को लेकर बहुत सी बातें हो रही हैं। अब नेपोटिज्म पर बिग बॉस 11 की विनर शिल्पा शिंदे ने भी अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। बिग बॉस 11 की विनर शिल्पा शिंदे ने कहा, नेपोटिज्म पर नेपोटिज्म हर फील्ड में है और भेदभाव तो हर जगह ही होता है, जैसे कि मैं खुद सीरियल भाभी जी घर पर है के वक्त झेल चुकी हूँ। शिल्पा शिंदे ने आगे कहा, नेपोटिज्म की बात करें तो वो किसी एक फील्ड में नहीं बल्कि हर जगह है। अब एक्टर का बेटा एक्टर ही बनेगा, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही बनेगा, किस नेपोटिज्म की बात कर रहे हैं, लोग मुझे समझ नहीं आता। हाँ, लेकिन भेदभाव तो है ही और इसे मैं खुद भी फेस कर चुकी हूँ। शिल्पा यहीं नहीं रुकी, उन्होंने आगे कहा, मैं तो एक बेस्ट एग्जाम्पल हूँ। मुझे कहा जाता था कि इसके साथ काम मत करो, ग्रुप में काम चलता था, मैं इन सब चीजों को फेस कर चुकी हूँ। चैनल और प्रोडक्शन हाउस ने मुझे बैन कर दिया, मेरे साथ यही हुआ। मुझे 20-20 नोटिस आते थे कि तुम्हारी वजह से हमारा नुकसान हुआ है, तुम पैसे दो। मैं भी बहुत परेशान थी जब भाभी जी घर पर है के वक्त मैं काम कर रही थी। शिल्पा ने ये भी बताया कि उस समय उनका हाल कितना बुरा था। वो बोली, इस दौरान मैंने सर दर्द की गोलियां 3 से 4 बार खाई थी और मैं 9 घंटे ही बस सो पा रही थी। मैं अपने घर पर छुप कर बैठी रहती थी। भाभी जी के प्रोड्यूसर ने बहुत तमाशा भी किया था और मैं बहुत परेशान हो चुकी थी, लेकिन कोई भी इसको नहीं समझ सकता। शिल्पा ने ये भी कहा कि नेपोटिज्म हर एक फील्ड में है। वैसे भी जब तक इंसान कोई जिंदा है तब तक कोई केयर नहीं करता, जब वो चला जाता है तब सब सहानुभूति दिखाते रहते हैं। इंडस्ट्री की रियलिटी की बात करते हुए शिल्पा ने कहा कि भेदभाव की बात करें तो फिल्म छोड़ो, टीवी के सीनियर एक्टर्स भी जूनियर पर सीनियरिटी झाड़ते हैं। वैसे आपको बता दें, विकास गुप्ता ने हाल ही में एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें उन्होंने डिप्रेशन में होने की बात कही थी। उस वीडियो में विकास ने कुछ लोगों का नाम लिया था, जिसमें से एक नाम शिल्पा शिंदे का भी था। इस पर जब हमने शिल्पा से पूछा तो उन्होंने कहा, उन्होंने कुछ कहने से इनकार कर दिया। हाल ही में शिल्पा शिंदे लॉकडाउन में अपनी माँ के साथ समय बिता रही हैं। हाल ही में उनके माँ का एक्सीडेंट भी हो गया था जिसमें बहुत चोट आई थी, इसीलिए शिल्पा अपनी माँ का पूरा ख्याल रख रही हैं इस वक्त। टेलीविजन के लेटेस्ट अपडेट्स और चटपटी गॉसिप्स को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कॉमेंट जरूर करें।